नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरोल में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ, और आज जो मैं एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूं टाटा नेक्सॉन XM प्लस एस वेरिएंट का। ये जो है रिसेंटली अभी टाटा ने लॉन्च किया है, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही वेरिएंट इसके अंदर आ जाते हैं। आपको सनरूफ भी मिल जाता है। अब एस मॉडल जो है यहाँ पे इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है आपको सनरूफ भी मिल रहा है, तो ऊपर की तरफ जो है आप इसके सनरूफ को भी देख सकते हैं। कुछ लोग जो है मुझे डिमांड करके बोल भी रहे थे कि उसका भी जो है डिटेल रिव्यू वीडियो जो है आप लेके आओ, तो मुझे जो है आज फाइनली ये कार जो है डीलरशिप पर जो है अवेलेबल हो गई, तो उस वजह से जो है मैं इसका एक डीलरशिप पर जो है आपको एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इसके अंदर चेंजेस क्या क्या किए गए हैं, अब चेंजेस की अगर बात कर ले तो ये जो है ऑप्शन है टॉप और बेस वेरियंट के बीच का। इसके अंदर जो आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो टॉप वेरिएंट वाले मिल जाते हैं, और कुछ कुछ फीचर्स जो है वो सेमी फीचर है जो कि आपको बेस वेरिएंट में मिलता था। तो अगर की बात करें तो यहाँ पे आप इसके की को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टाटा को लोगो वो मिल जाता है। फ्लिप की जो है इसके अंदर आपको दी गई है कुछ इस तरीके की। लॉक अनलॉक के दो बटन जो है वो मिल जाएंगे। ये तीसरा वाला अगर आप प्रेस करते हो तो इसका हेडलैम्प जो है वो ऑन हो जाता है, चूँकि हेलोजन के अंदर ही है। तो फ्रंट प्रोफाइल के अंदर अगर देख ले तो यहाँ पे आपको कुछ मेजर चेंज जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हेडलैम्प जो है वो आप देख लीजिए, यहाँ से हाई बीम लो बीम आ जाता है। यहाँ पे आपका लो बीम जो है वो प्रोजेक्टर के अंदर है, हाई बीम जो है वो नॉर्मल हेलोजन सेटअप आ जाता है। DRL जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सेंटर के अंदर जो है इसमें आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग वाली ग्रिल मिल जाती है, टाटा को लोगो वो भी आ जाता है। नीचे की तरफ जो है रेडिएटर ग्रिल पे आप इसके ट्राई एरो एलिमेंट्स को देख सकते हैं। फॉग लैम्प जो है इस वेरिएंट के अंदर नहीं आएगा, तो ये जो है एक बेस वेरिएंट वाला फीचर यहाँ पे हो जाता है। आपका इंडिकेटर जो है वो आपको इधर दे दिया गया। उसके अलावा जो है एज सच कोई ऐसा डायमेंशन या मेज़र चेंज जो है वो नहीं किया गया। फीचर्स कहीं चेंज है जो कि इंपॉर्टेंट चेंज है। बोनेट वगैरह का डिज़ाइन जो है यहाँ से आप देख लीजिए, और जो आपको वाइपर दिया गया है वो इसके अंदर जो है आपको नॉर्मल वाइपर सेटअप जो है वो मिलता है। एरोडायनेमिक वाला वाइपर जो है वो आपको नहीं मिल रहा है, जो कि आपको डार्क एडिशन या टॉप वेरिएंट में मिलता था। साइड प्रोफाइल में अगर आ जाए तो साइड प्रोफाइल में जो है आप इसके फेंडर को देख सकते हैं। फेंडर पे जो है यहाँ आपको व्हील आर्च पे क्लैडिंग वो मिल जाती है। अब यहाँ पे जो एक फीचर है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस वेरिएंट के अंदर, वो आपको जो है स्टील रिम दिया गया है। व्हील कैप जो है कंपनी फिटेड ही मिल जाता है इसके अंदर, और स्टील रिम के साथ आएगा टाटा का लोगो, वो भी आप देख सकते हैं। टायर प्रोफाइल जो है वो आपको बेस वेरिएंट वाला मिलेगा, यहाँ पे टॉप वेरिएंट वाला नहीं मिलता है। 195/60R 16 इंच का जो है इसके अंदर आपको स्टील रिम वो मिल जाता है। फ्रंट के अंदर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक वो भी आ जाएंगे। इसका ए पिलर जो है वो आपको ब्लैक कलर के अंदर दिया गया, वो RVM भी जो है ब्लैक कलर के अंदर मिल जाता है। LED इंसर्ट जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। और आगे बढ़ जाएँ तो यहाँ पे आप इसके डोर हैंडल को देख सकते हैं। डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं आता, ब्लैक कलर के अंदर आएगा सब कुछ। थोड़े से स्पेस की कमी है यहाँ पर, तो उस वजह से जो है थोड़ा सा मुझे क्लोजली जो है शूट करना पड़ रहा है। डोर पे जो है आपको क्लैडिंग वगैरह वो सब कुछ मिल जाती है, तो यहाँ से आप वो भी देख लीजिए। बैक प्रोफाइल में अगर आ जाए तो यहाँ पे आप इसके हैंडल को देख सकते हैं। हैंडल भी जो है वो आपको ब्लैक कलर के अंदर ही मिलता है। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्लास्टिक वाला फील जो है वो आने वाला है। रेयर प्रोफाइल के अंदर जो है आप इसके टायर को देख सकते हैं। पीछे भी जो है आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा, डिस्क ऑप्शन जो है पीछे नहीं है। और अगर इसके बैक प्रोफाइल में आ जाए तो यहाँ पे आप इसके बैक प्रोफाइल को देख लीजिए, कुछ इस तरीके का जो है पीछे का टेल लैम्प वो मिल जाता है। बट इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको शार्क फिन एंटीना वो ज़रूर मिल जाता है। वेरिएंट के आज सच कोई बैजिंग वगैरह जो है यहाँ पे आपको नहीं दी गई है। रिफ्लेक्टर वगैरह जो है वो आ जाएंगे। दो पार्किंग सेंसर जो है वो भी आ जाता है। नेक्सॉन की बैजिंग वो भी आप देख सकते हो। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। टाटा का लोगो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ टाटा का लोगो वो भी मिल जाएगा। इसके अंदर जो है आपको डिफॉगर और वाइपर वो नहीं आता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाएगा स्पॉइलर के साथ में। वोकल फॉर लोकल का स्टिकर जो है वो भी आ जाता है। अब जो मेजर अपडेट है वो आपको इंटीरियर के अंदर दिया गया है। यहाँ से जो है आप इसके कोड ड्राइवर साइड का व्यू जो है वो देख लीजिए, कुछ तरीके का व्यू जो है यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। फ्यूल कैप वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं, तो एक बार आप यहाँ से भी देख लीजिए क्या क्या चेंजेस वगैरह जो है किए गए हैं। एक बार मैं अंदर चलता हूँ तो वो भी आपको बता देता हूँ कि उधर जो है क्या इसके अंदर जो है चेंज है, और क्यों जो है इसे एक एक्स्ट्रा वेरियंट जो है लाया गया है टॉप और बेस के बीच में। तो यहाँ पर चेंज जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको ड्राइव मोड जो है इस वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर जो है आपको सिटी इको स्पोर्ट वो आ जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आ जाएगा, बट रिवर्स कैमरा जो है इसके अंदर आपको नहीं आएगा। यहाँ पे आप नेक्सॉन की जो इम्बोजिंग है वो देख सकते हो। इसके अंदर आपको AC वो मिल जाता है, हालाँकि एक्सप्रेस कूलिंग मोड वगैरह जो है इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के अंदर आ जाएगी। पेट्रोल डीजल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप उसे देख लीजिए। एक जो है 12V का है, दूसरा जो है USB वाला पॉइंट है। AC का सारा कंट्रोल इधर आपको मिल जाता है।
उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सर्कुलेशन वगैरह के लिए बटन जो है वो मिल जाएंगे, हैजार्ड लैंप का स्विच जो है वो भी आ जाता है यहाँ पे। तो एक बार हम लोग चलते हैं इसके ड्राइवर साइड एरिया में और देख लेते हैं वहाँ पे कि उधर जो है आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। हालांकि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह जो है इसके अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग इसके ड्राइवर साइड एरिया में। ड्राइवर साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आप इसके डोर को देख सकते हैं। तो डोर पे जो है आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं ग्लास लॉक करने के लिए। स्पीकर की प्लेसिंग यहाँ से आप देख लीजिए, अम्ब्रेलो होल्डर वगैरह जो है यहाँ पे आ जाएगा, बॉटल होल्डर का स्पेस वो भी आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है कि आजकल जो है सारे कार्स के अंदर अम्ब्रेलो होल्डर तो आ रहा है, बट उसकी जो वाटर की जो ड्रेनेज है वो पता नहीं कहाँ होती है। क्योंकि मैंने तो चेक किया है एक्सयूवी में भी इसमें भी, ऐसा यहाँ पे कोई मुझे तो ऐसा होल दिखा नहीं जिसके थ्रू जो है पानी बाहर आ सके। और यहाँ पे आपको आरवीएम एडजस्ट करने के लिए जॉयस्टिक जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। फ्यूल लीवर जो है, लिड ओपनर वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, तीन पैडल्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा जो है आपका सीट एडजस्टमेंट यहाँ से आप देख लीजिए। इसके अंदर जो है आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन वो नहीं आएगा, इग्निशन से ही कार को ऑन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो है स्टेयरिंग की अगर बात करें तो स्टेयरिंग को जो है यहाँ से आप देख सकते हैं डी कट स्टेयरिंग व्हील आ जाता है। लेदर रैप नहीं है, सिंपल सा स्टेयरिंग व्हील जो इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो एक बार हम लोग इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो है आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो इग्निशन को हम लोग जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ज़रूर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लो आरपीएम मीटर जो है इस साइड है, फ्यूल लेवल इंडिकेशन और इंजन हीट टेम्परेचर वगैरह जो है यहाँ से आप गेन कर सकते हो। प्लस आपको दो ट्रिप वगैरह रीसेट करने के लिए जो नॉब है वो भी मिल जाते हैं। इस साइड आपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से वॉइस कमांड वगैरह, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है आपको टिल्ट जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे आप टिल्ट का जो है वो फीचर मिल जाता है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ आप ये भी देख लीजिए कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, AM, FM, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टेड फीचर्स जो है वो आ जाते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम वो आ जाएगा। तो वो एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको मोड वाला जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि यहाँ पे आपको वेरियस मोड जो है वो मिल जाते हैं, जो कि आपको टॉप वाला फीचर है। ORVM वगैरह जो है आपने देख लिया। IRVM की अगर बात करें तो वो जो है इसमें आपको ऑटो डिमिंग भी जो है नहीं मिल रहा है और मैनुअल एडजस्ट करने का फीचर जो है वो भी नहीं आता है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ जो है इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है कि इसके अंदर जो है आपको सनरूफ मिल जाएगा। तो सनरूफ को जो है आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो था आपने देख लिया। अब S इसलिए है XM प्लस S, S स्टैंड्स फॉर सनरूफ। तो यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए, ऐसा सच कुछ तो है नहीं यहाँ पे दिखाने को मेज़र। दूसरा एक चीज़ जो है यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसमें जो आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है ये जो है कूल्ड आ जाता है ग्लव बॉक्स जो है आपका, और काफ़ी डीप भी है। आप देख सकते हैं इसकी डेप्थ कितनी अच्छी है यहाँ पे। अब एक चेन जो है वो रेयर में है, एक एक्स्ट्रा फीचर जो है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उधर जो है आपको क्या मिल जाता है। तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको रेयर के अंदर भी जो है एसी वेंट आ जा रहा है, दो एसी वेंट्स जो है वो आ जाते हैं। चार्जिंग सॉकेट जो है वो नहीं है, आप देख सकते हैं नीचे स्पेस जो है वो भी खाली दिया गया है यहाँ पे। प्लस सीट जो है वो सिंपल सी है, आर्म रेस्ट वगैरह भी नहीं आता है। सीट फैब्रिक की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है आपको फैब्रिक फिनिशिंग वो मिल जाएगी। ट्राई एयरो एलिमेंट, जैसा कि आप जानते हैं टाटा के हर एक गाड़ी में जो है आपको ये एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर का स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, हाफ लीटर का बॉटल जो है आप रख सकते हो, थोड़ा सा स्पेस जो है यहाँ पे मिल जाएगा। पावर विंडो का कंट्रोल इधर भी आ जाता है। हेडरेस्ट वगैरह जो है इसके अंदर जो है आपको फिक्स दिया गया है, एडजस्टेबल नहीं है। पार्शल ट्रे तो नहीं दिख रहा है, एक बार हम लोग बूट में चेक कर लेते हैं कि वाकई में पार्शल ट्रे है या नहीं। आइसोफिक्स माउंट वगैरह जो है वो भी आ जाएगा इसके अंदर। और एक बार हम लोग इसके बूट को भी चेकआउट कर लेते हैं कि बूट में आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो बूट को ओपन करने के लिए आई थिंक यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो ज़रूर दिया गया होगा। एक बार जो है मैं देख लेता हूँ। इसका बूट तो ओपन नहीं हो रहा है, पर हम लोग चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इसका क्या सिस्टम है वहाँ से बूट रिलीज़ करने के लिए। तो बूट रिलीज़ करने के लिए आई थिंक यहाँ पे जो है आपको एक बटन दिया गया है, तो उसे जो है आप ओपन कर सकते हैं और आपका बूट जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे
कुछ इतना सारा बूट स्पेस जो इसके अंदर दिया गया है। अभी तो पार्शियल ट्रे फिलहाल नहीं है यहाँ पे। चार्जिंग सॉकेट जो है यहाँ पे आपको पीछे एक मिल जा रहा है, एसी वेंट के नीचे नहीं था बट यहाँ पे जो है आपको दे दिया गया है। और पंक्चर रिपेयर किट वो ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील वो मिल जाता है। स्पेयर व्हील का साइज़ क्या है, 195/60R16 इंच का ही है। टूल्स वगैरह जो है ये बैक के अंदर है, ऑर्गेनाइज तरीके से दिए गए हैं यहाँ पे। और देख लीजिए कुछ इतना बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बूट को बंद कर देते हैं। और तो इसका बूट जो है वो बंद हो चुका है। ऑल दो यहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है नहीं आएगा, तो उसे भी आप देख लो यहाँ पे एक बार। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे, तो उसको आपको ओपन करने के लिए जो है यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन जो है वो मिल जाता है। इसे प्रेस करोगे तो आपका जो बूट है वो ओपन हो जाता है। आर्मरेस्ट वो भी मिसिंग है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। कप होल्डर, बॉटल होल्डर, खैर ठीक है, इसे भी आप एज अ आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना जो है आर्म वगैरह रख सकते हो। तो एक बार हम लोग इंजन कंपार्टमेंट को भी देख लेते हैं। ऐसा जो है उधर कोई मेजर चेंज तो है नहीं, बट फिर भी जो है एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ आपको क्या मिल जाता है। तो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग इसके इंजन कंपार्टमेंट में। और यहाँ पे आप देख लीजिए इसके इंजन को। और इसके अंदर जो है आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाता है, पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। इस इंजन से रिलेटेड एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है वो अपने डिस्प्ले पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर सेफ्टी फीचर्स की बात कर लें कि क्या क्या सेफ्टी फीचर्स जो है इस वेरियंट के अंदर आपको मिल जाते हैं, तो इसके अंदर जो है आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स जो है वो मिल जाएंगे। दो एयरबैग जो है वो भी आ जाएगा इसके अंदर। वारंटी वगैरह जो है जो जनरल डाटा की कार्स में मिलती है वही आपको मिलने वाली है। इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होने वाली है वो अपने डिस्प्ले पे जो है आप देख लीजिए। पहला जो है आपको एक एक्सोरूम प्राइस जो है वो दिख रहा होगा, दूसरा जो है आपका ऑन रोड प्राइस है धनबाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टाटा नेक्सॉन XM प्लस एस वेरियंट का वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।